फाइनली द सॉन्ग इज हियर, जिस गाने का इतना लंबा इंतजार था। फाइनली बारिश आई है, ये गाना आ चुका है वायरल ओरिजिनल्स पर। तेजस्वी और करण का पहला आउट एंड आउट रोमांटिक सा गाना। आई एम एब्सोल्युटली स्टंड विद द सॉन्ग। जिस वे में ये सॉन्ग शुरू हुआ, कहीं ना कहीं जो लॉन्ग डिस्टेंस कपल होते हैं उनकी स्टोरी यहाँ पे है कि किस तरीके से 6 महीने में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं। और जिसके साथ भी तेजस्वी फ़ोन में बात करती है, शीज़ लाइक तुम कैसे सस्टेन कर लेते हो तुम्हारा प्यार। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि नो करण तेजस्वी जब मिलते हैं, ही स्टेज़ इन गोवा, शी स्टेज़ इन पुणे, तो कैसे सिर्फ 2 ही दिन मिल सकते हैं इन 6 मंथ्स, बिकॉज ऑफ आई एम श्योर दोनों के बहुत बिजी स्केड्यूल्स है, ऐसे दिखा रहे हैं। बट मैन, दिस सॉन्ग इज एक्चुअली ब्रेथ टेकिंग। आइए बताते हैं सॉन्ग्स के कौन कौन से हाइलाइट्स से ज़्यादा अमेजिंग रहे। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। ऑफकोर्स इनकी केमिस्ट्री बहुत ही रियल, बहुत ही जेन्यून रॉ दिखाई दे रही है। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा कि ये कोई कैरेक्टर्स को निभा रहे। इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि इट्स तेजस्वी एंड इट्स करण। बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से इनकी केमिस्ट्री जो है दिखाई जा रही है। एक दूसरे को 6 महीने के बाद मिलने वाली जो खुशी होती है, वो खुशी बड़ी प्यार से दिखाई दी जब वो ब्रिज के नीचे ब्रिज पे तेजस्वी को मिलने आए थे करण। दोनों का हग बहुत ही प्यारा था। उसके बाद वो बाइक वाला मोमेंट बहुत ही रोमांटिक था, बहुत ही क्यूट था। बाइक से वो जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बीच पे है, वो वाला भी काफ़ी बढ़िया था। दे आर सिंगिंग, डांसिंग अलोंग, फिर बारिश आ जाती है, फिर जिस तरीके से ये ब्यूटीफुल सा एकदम सॉफ्ट सा गाना है, एकदम फुल वो देसी वाइब दे रहा है ना, पता ही कि हमारा गाना है यहाँ का। वो फील आता है, यू नो एवरी पर्सन कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग। ये ऐसा गाना नहीं है कि यू जस्ट लिसन टू इट एंड इट्स डन, यू विल कीप ऑन वॉन्टिंग टू लिसन इट मोर, एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। एंड दिस इज़ द USP ऑफ दिस सॉन्ग कि किस तरीके से जो यू नो इनका रोमांस हो रहा है, दे आर हैप्पी, इधर उधर घूम रहे हैं, स्पेंडिंग द बेस्ट ऑफ द टाइम। फिर जाने के एक दिन पहले यू नो तेजस्वी जस्ट एक चैपल से जा रही होती है, एक कपल की शादी होते हुए देखती है। शी इज़ एक्चुअली इमेजिनिंग हरसेल्फ एंड करण देयर, एंड करण रियलाइजेस दैट, एंड उसके बाद वो नीज पर जाके उसे प्रपोज करते हैं। नेक्स्ट डे शी लीव्स फॉर पुणे। दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग, शी इज़ लाइक हमारी शादी कब होगी। एंड दैट ब्यूटिफुल सीनिक व्यू था, मतलब लिटरली पता है कि आप वो फील कर सकते हो उनकी शादी वाला मोमेंट, जो फैंस कब से उनकी शादी कब होगी, शादी कभी होगी जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भले ये रील ही सही, लेकिन उनकी शादी बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन तरीके से होते हुए नज़र आई। फिर शी इज़ कमिंग टू पुणे, ही कम्स टू हर एंड सेज टुगेदर फॉर एवर। वो शायद गोवा छोड़ के आया है जस्ट फॉर हर इन पुणे। बहुत ही प्यारा था। स्टेबिन बेन, श्रेया घोषाल बहुत ही ब्यूटीफुल सोलफुल सिंगर्स हैं, बढ़िया गाना तो गाया ही है। तेजस्वी करण का भी एक्ट बहुत ही अच्छा था, लग भी नहीं रहा था कि एक्चुअली एक्ट है, रियल लाइफ लग रहा था। जिस तरीके से इस गाने को कंपोज किया गया है, जिस तरीके से इस गाने को लिखा गया है, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। गोवा का ब्यूटी जो है दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट प्लेसेस यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर गोवा बोला तो ये बीच तो होना चाहिए, ये चर्च होना ही चाहिए, ये वहाँ का होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ऑफ बीट लिया एक्सेप्ट फॉर द ब्रिज। सारी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूजुअली गोवा में हम नहीं देखते, सो ऑफ बीट प्लेसेस थे। दैट इज़ ऑल्सो वट आई लव्ड। कैसा लगा आपको गाना, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून। मेरी तरफ से तो ये गाना सुपर्ब है, एंड आई थिंक बारिश के पहले जो 2 गाने हैं उनके रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मॉनसून सॉन्ग ऑफ द ईयर। व्हाट यू हैव टू से, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू सून।